हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस एंड जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। जानकारी क्या है, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जिस किसी ने भी अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन इसी तरीके से आपके पास पहुँचता रहे। तो लीजिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आप देख सकते हैं, हरियाणा महानिदेशक उच्चतर शिक्षा हरियाणा पंचकुला। हो सकता है आपको साफ दिखाई ना दे, लेकिन मैं आप साथ में आपको बताता रहूँगा। वेयर एज ए रिकमेंडेशन फॉर फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ लेबोरेटरी अटेंडेंट इन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ हरियाणा वाज सेंड टू हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास एक रिकमेंडेशन भेजी गई थी लेबोरेटरी अटेंडेंट की जो पोस्ट है उनके लिए, ठीक है। और जो इसका ये मेमो नंबर है, ये जो डेट थी, ये एडवर्टाइजमेंट थी और कैटेगरी नंबर 5 थी, ये भेजा गया था। वेयर एज ऑन रिकमेंडेशन की भी ये रिकमेंडेशन भेजी गई थी 124 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की कि ये ज्वाइन कर लें। सीधी सी मैं आपको बता देता हूँ, 124 लेबोरेटरी अटेंडेंट के जो पद थे वो फिल करने के लिए, उनकी नियुक्ति के लिए HSSC को रिक्वेस्ट भेजी गई थी, ठीक है। तो वो HSSC ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी और इनकी ज्वाइनिंग होनी थी 124 की। काफ़ी मौके दिए गए जिनमें से काफ़ी ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन 51 ने ज्वाइन नहीं किया, जिनमें से 37 अपसेंट रहे और जो 14 ये भी अपसेंट थे, इन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, ना कोई रीज़न बताया। बार बार इनको मौके दिए गए, ये डेट मैंने आपको दिखाई भी है, काफ़ी इनको मौके दिए गए। कैंडिडेट्स डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द अबो मेंशन अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स, और उन्होंने फिर जो इनके पास लेटर आता था उसका उत्तर ही नहीं दिया। एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड, काफ़ी इनको अवसर दिए गए, इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को। और हैंस देयर कैंडिडेचर फॉर द सेम इज हेयर बाई स्टैंड कैंसल, इसलिए इनका कैंडिडेचर अब रद्द कर दिया गया है। देयर इज नो मोर अपॉर्चुनिटीज नाउ फॉर देम, अब इनको कोई और अवसर मिलने वाला नहीं है। और वो मैं लिस्ट भी आपको दिखा देता हूँ, इनका कैंडिडेचर रद्द कर दिया गया है, इनको अब कोई और अवसर नहीं मिलेगा। इनके लिए तो पता नहीं ये अच्छी या बुरी खबर है, क्योंकि काफ़ी इनको मौके मिले, इन्हें ज्वाइन नहीं किया, लेकिन आने वाले जो 51 जो कैंडिडेट्स वेटिंग में हैं उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। अब 51 जो वेटिंग है उनको चांस मिल सकता है, और ये जो लिस्ट वो थी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो ये एक जानकारी आप सभी तक पहुंचानी थी, भाई इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, बार बार अवसर मिलने के बाद तो वेटिंग को चांस मिल सकता है। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट जो कि सबसे महत्वपूर्ण है वो इसी तरीके से बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।